हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान सी एलोवेरा से बनने वाली होम रेमेडी जो आपके फेस के लिए है। आज जो होम रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद होम रेमेडी है। अगर आप इसे लगाते हैं तो आपके फेस से पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे, दाग धब्बे धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे, आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा और आपका फेस बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने एलोवेरा के साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल, क्योंकि मेरे पास में फ्रेश एलोवेरा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है। अगर आपके घर पर फ्रेश एलोवेरा हो तो आप उसमें से पल्प निकाल लें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वैसलीन का एलोवेरा जेल लिया है। और इसके बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 से 2 चुटकी हल्दी, क्योंकि हल्दी पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसमें बहुत सारे गुणकारी तत्व होते हैं। हल्दी को दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। साथ ही साथ हल्दी कलर को फेयर करने के लिए भी काम करता है। फिर अब मैं 1 छोटा चम्मच यहाँ पर एलोवेरा जेल को निकाल लेती हूँ और इस हल्दी में इसे मिलाना है। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर लूँगी शहद, तो 1 छोटा चम्मच शहद मैं यहाँ पर ले रही हूँ, क्योंकि शहद भी फेस के लिए स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। शहद हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाती है और इससे हमारी जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ग्लो करने लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच शहद लिया है। और अब इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है, बहुत अच्छे से इन्हें मिक्स करना है ताकि ये तीनों ही चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और फिर इसके बाद में इसे अपने फेस पर आपको लगाना है। तो देखिए हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है और अब मैं थोड़ा सा आपको अपने हाथों पर लगाकर दिखा देती हूँ। और याद रहे कि आपको इससे अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है, ये फेस पैक नहीं है, ये एक पेस्ट है जिसे आपको मसाज करनी है। कम से कम 15 मिनट तक आपको अपने फेस पर इससे मसाज करनी है और उसके बाद में फिर फेस को धोना है, क्योंकि सूखने का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि इसमें शहद है तो सूखेगा नहीं। बस आपको ऐसे ही हाथों को अच्छे से घुमाते हुए और अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है। मैंने अभी यहाँ पर हाथ पर इसे लगाकर दिखाया है, इसी तरह से आप अपने फेस पर इसे लगा लें। तो फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को अगर आप अपने फेस पर ट्राई करते हैं, लगाते हैं, तो आपको आपके फेस पर फ़र्क दिखेगा। आपके फेस पर अगर पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और आपका फेस ग्लो करेगा। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो बहुत ही जल्दी इसका फ़र्क आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी होम रेमेडी, आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही जल्दी इससे फ़र्क दिखेगा। थैंक यू।